नमस्कार, एटीएन टीवी न्यूज में आपनु स्वागत छे। यात्राधाम अंबाजी में चीन बॉर्डर पर शहीद थयेला भारत देश 20 जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित कराई। हाल में चीन बॉर्डर पर लद्दाख ने कलमनी घाटी में चीन द्वारा भारत सैनिकों पर हुमलो करेल अने आ हुमला दरमियान अपना भारत देश 20 जेटला वीर जवानों शहीद थयेला। आना कारण आखा भारत में दुखनी लागणी प्रसरी हती। ज्यारे गई काले मोड़ी रात दरमियान गुजरातना सुप्रसिद्ध यात्राधाम अंबाजीना डीके सर्कल पासे श्री राजपूत करणी सेना द्वारा शहीद थयेला वीर जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित कराई हती। अने जगत जननी माँ अंबा शहीद थयेला वीर ने जवानों की आत्मा ने शांति आपे तेवी प्रार्थना कराई हती। अने आवी दुखनी घड़ी में शहीद थयेला जवानों परिवार ने जगतनी जननी माँ अंबा दुख सहन करवानी शक्ति आपे तेवी प्रार्थना कराई हती। आ श्रद्धांजलि अर्पित करवामां एक्स आर्मी मैन संदीप भाई राजपूत अने करणी सेना कार्यकर्ताओं पण जोड़ाया हता। अने भारत माता की जय, शहीद अमर रहोना नाराथी आखू यात्राधाम अंबाजी गूंजी उठ्यो हती। रिपोर्टर भरत ठाकुर, एटीएन टीवी न्यूज, दांता। जय भारत। हूँ संदीप सिंह राजपूत, एक्स आर्मी मैन अने करणी सेना अध्यक्ष अंबाजी। आज चाइना ए हुमलो कर्यो अने अपना सैनिकों ने मार्या छे पीठ पाछळ घा करीने। ते सैनिकों ने परिवारजनों ने माँ अंबा अंबाजी थी अमे प्रार्थना करीए छीए। माँ अंबाए तेमने दुख वेठवानू हिम्मत आपे अने ए सैनिकों ने माँ अंबा भगवतीनी तरफथी अने अमारा तरफथी राजपूत करणी सेना तरफथी अमे श्रद्धांजलि अर्पित करी छे आजे। अने जे मोदी साहेबे अमने देश ने विश्वास आप्यो छे एमना उपर अमने अने एमना घरवाळाने पण पूरेपूरो विश्वास होवो जोईए। बदलो लेवामां जरूर आवशे। जय हिंद, जय भारत।